हेलो एवरीवन, मैं अंकिता सिंह आज आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ आपके साथ। तो आज हम बना रहे हैं इस वीडियो में वेज हक्का नूडल्स। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या नई बात है, हम सभी बनाते हैं और हम सब लोग को पता भी है कि कैसे बनाया जाता है। बहुत जन बनाते तो हैं लेकिन उनका नूडल्स जो है अच्छे से बनता नहीं है, चिपचिपा बनता है, खिला खिला नहीं होता है। जैसा बाजार में मिलता है ना वैसा गुड लुकिंग नहीं होता है। तो चलिए मैं आपको वही प्रोसेस बताऊंगी जिससे कि आपका नूडल्स एकदम गुड लुकिंग में बने और बहुत ही टेस्टी बने। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये आता है कि नूडल्स को उबालना कैसे है। अब आप सभी क्या करते हैं कि नॉर्मल पानी गर्म कर लेते हैं और नूडल्स डालकर उबाल लेते हैं। कितने टाइम उबालना है, कैसे उबालना है, ये आप लोग नहीं जानते हैं जिसकी वजह से ओवर कुक हो जाता है। तो मैं यहाँ पर ये नूडल्स ले रही हूँ। आप किसी भी साइज का नूडल्स ले सकते हैं, मार्केट में पतला मोटा हर टाइप का नूडल्स मिलता है। तो चलिए इसको उबालना कैसे है वो देखते हैं। आपको जिस बर्तन में उबालना है वो बर्तन ले लीजिए। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे पानी। आप जितने पैकेट नूडल्स को उबाल रहे हैं उस हिसाब से पानी लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक पैकेट ही उबाल रही हूँ तो इसलिए मैं एक पैकेट के अनुसार पानी लूँ। तो अभी यहाँ पर इस नूडल्स को नहीं डालना है, सबसे पहले इसको गर्म होने देना है और फिर डालेंगे नमक। तो पानी गर्म हो चुका है तो अब हम यहाँ पर डालेंगे नमक। और टाइमिंग की बात करूँ तो मुझे 2 मिनट हुआ है। तो चलिए अब नमक डाल लेते हैं। और नमक आपको सिर्फ आधा छोटा चम्मच ही डालना है क्योंकि हम नूडल्स में भी नमक डालेंगे। अब नमक डालने के बाद पानी को खौलने देना है। जब ये खौलने लगेगा तब हम यहाँ पे नूडल्स डालेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि पानी उबलने लगा है। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे ये नूडल्स। तो ये देखिए इसमें एक्स्ट्रा मसाला और ग्रीन चिली सॉस मिलता है, तो हम इसको साइड में रख लेते हैं और सारे नूडल्स को डाल लेते हैं। इस तरीके से आप मिक्स कर दीजिए। देखिए नूडल्स जो है ना जब आप डालेंगे तभी ये खुलने लग जाते हैं। अब आप इस तरीके से फैलाने के बाद फ्लेम को कर देंगे मीडियम। हाई फ्लेम पे आपको कुक नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे करना है। आप बीच बीच में इसे चलाते रहिएगा ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। वैसे आपने इसमें नमक डाला हुआ है तो ये एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। टाइमिंग मुझे यहाँ पर 8 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए चाउमीन उबल रहे हैं। इसको आपको मात्र 10 से 12 मिनट लगेंगे और आपको इसको 90% तक कुक करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। और ये चेक कैसे करना है कि ये नूडल्स उबल गए हैं या नहीं तो मैं आपको बताऊंगी वो भी तरीका। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुका है तो मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि ये अच्छे तरीके से उबल गए हैं या नहीं। तो इस तरीके से आप चम्मच में उठाइए और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप इस तरीके से तोड़ेंगे। अगर ये आराम से टूट जा रहे हैं यानी ये मतलब उबल गए हैं, और अगर नहीं टूट रहे हैं तो मतलब आप 1-2 मिनट और बॉयल कर लीजिए। तो अब यहाँ पर हम गैस को कर देंगे ऑफ। तो अब आप यहाँ पर एक बड़ा सा बॉल ले लीजिए और ये छन्नी लगा लीजिए और फिर ये जो हमने नूडल्स को उबाले हैं ना इसमें छान लेंगे। आप इसको धीरे से छान लीजिएगा क्योंकि गर्म है बहुत ज़्यादा, तो आप ध्यान से ही कीजिएगा। तो अब इस चाउमीन को हम धुलेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और एक दूसरे से चिपके नहीं। आप इसको जितने ठंडे पानी में धुल सके ना धुल लीजिए और इस पानी को हम गिरा देंगे। अब बाज़ार में जैसे लोग बनाते हैं ना तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं कि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। तो आप यहाँ पर कुकिंग ऑयल यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ये 1 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है और इस तरीके से डाल लेंगे और अपने हाथों की मदद से इस तरीके से मिक्स करेंगे। ये प्रोसेस करने से क्या होता है ना कि नूडल्स एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं और खिले खिले बनते हैं। तो आप चाहे इस नूडल्स को एक थाली में भी फैला कर रख सकते हैं, मैं इसी में रखती हूँ। तो हमने यहाँ पर कुछ सब्जियों को फटाफट से कट कर लिया है। 1 मीडियम साइज का प्याज, शिमला मिर्च, थोड़े से पत्ता गोभी और आधा गाजर, इन सभी चीज़ों को आप लंबे पीस में कट कर लीजिए। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 7 से 8 लहसुन की कलियों को कद्दूकस कर लीजिए और 2 से 3 हरी मिर्च काट लीजिए अपने अनुसार। तो चलिए अब नूडल्स बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो आप यहाँ पर कढ़ाई को गर्म होने देंगे और 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, ये कुकिंग ऑयल है। अब आपको यहाँ पर फ्लेम को हाई रखना है। नूडल्स को आपको पूरे टाइम हाई फ्लेम पर ही बनाना है। और आप यहाँ पर पतला बर्तन लीजिएगा जो जल्दी से हीट हो जाए। और अगर आपके पास चाउमीन बनाने वाला कढ़ाई है तो अलग ही बात है। तो चलिए अब तेल गरम हो गया है तो अब हम यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे।
आधे मिनट को भून लेंगे और फिर डालेंगे ये सब सब्जियाँ। तो यहाँ पर ये पत्ता गोभी, गाजर, मिर्च और प्याज, शिमला मिर्च। मैं इन सभी सब्जियों को साथ में ही डालती हूँ ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, आपको सिर्फ हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून लेना है ताकि ये 50 से 60% तक कुक हो जाए। क्योंकि जो नूडल्स में सब्जियाँ होता है वो अच्छे तरीके से कुक नहीं किया जाता है, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लिया जाता है। आप इसे लगातार चलाते रहिएगा और भूलते रहिएगा। तो ये देखिए, हमारा यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुका है और सब्जियाँ आधा कुक हो चुका है। तो आपको इसी स्टेज पर अब नूडल्स को डालना है। अब फ्लेम लो कर दीजिएगा और ये देखिए, नूडल्स है ना एकदम अलग अलग, आप कह सकते हैं कि ये चिपका हुआ है। तो आप इसको डाल दीजिए। अब ऐड करेंगे यहाँ पर 1 छोटा चम्मच नमक और स्वाद अनुसार 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। मैं यहाँ पर नूडल्स मसाला नहीं लेकर आई हूँ तो मैं यहाँ पर गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ। 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1 चम्मच रेड केचप, 1 चम्मच विनेगर और 1 चम्मच सोया सॉस। इन सभी चीज़ों को डाल देंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर लेंगे ये कलछिल और ये फोक, कांटे वाले चम्मच लेंगे और इस तरीके से मिक्स करेंगे। तो इससे क्या होगा ना कि आपके जो नूडल्स हैं वो टूटेंगे नहीं, मार्केट जैसा ही बनेगा। तो इस तरीके से आप मिला लीजिए, आप कलर देख सकते हैं कि मार्केट जैसा ही आ रहा है। मैं जब भी घर में बनाती हूँ इसी तरीके से बनाती हूँ और घर में तारीफ के 4 चांद लग जाती है। तो आप भी कॉन्फिडेंस के साथ इसको बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगा और एकदम बाजार जैसा बनेगा। अब गैस को कर देते हैं ऑफ। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँगी कि इसको सर्व कैसे करना है ताकि आपका एक अच्छा इम्प्रेशन बने घर में और तारीफ का 4 चांद लग जाए। मार्केट के चाउमीन में आपको जो हरे प्याज का पत्ता होता है ना वो भी डाला हुआ मिलता है, तो मेरे पास था नहीं और मेरे पास के दुकान में मिला भी नहीं। तो मैं यहाँ पर ये हरा धनिया का पत्ता डाल रही हूँ, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये हमारा नूडल्स बन के तैयार है। आप यहाँ पर रेड केचप डाल सकते हैं और स्माइल बना सकते हैं, आप कोई भी डिज़ाइन बना दीजिए जिससे कि परिवार वालों को बहुत ही पसंद आए। तो आई होप आपको ये तरीका पसंद आया होगा कि इसको बनाना कैसे है। आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं से भी चिपके हुए नहीं है, एकदम परफेक्ट बने हैं। तो आप भी इस नूडल को कॉन्फिडेंस के साथ बना सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर पसंद कीजिए और लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।